इंटरनेशनल वुमेंस डे के मौके पर हैदराबाद विजयनगर कॉलोनी इलाके में यूथ लीडर व सोशल एक्टिविस्ट मुकर्रम अली सिद्दीकी की जानिब से एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर वज़ीर दाखला मोहम्मद महमूद अली, एमएलसी एमएस प्रभाकर ने शिरकत करते हुए सैकड़ों खवातीन में गिफ्ट पैकेट्स तकसीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर दाखला मोहम्मद महमूद अली ने यूथ लीडर मुकर्रम अली सिद्दीकी की जानिब से मुस्तहिक अफराद के लिए वक्तन फवक्तन किए जाने वाले फलाही इकदामात की सताइश की। उन्होंने मुकर्रम अली सिद्दीकी के वालिद मोहम्मद अली सिद्दीकी को सीनियर पॉलिटिशियन बताते हुए उनके खिदमात को भी सराहा। इस मौके पर हलके नामपल्ली से वाबस्ता टीआरएस के कायदीनों कारकुनान और इस्तीफादा खवातीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। बड़ी खुशी की बात है कि सारे वर्ल्ड में वुमेंस डे मनाया जा रहा है और हमारी स्टेट में भी मनाया जा रहा है। हमारे सीएम साहब ने क्योंकि उनके बर्थडे में हम लोग थीम भी बनाए थे, हमारे सीएम साहब ने कहा कि वुमेंस डे भी 3 दिन मनाना चाहिए, बाद में जाके 7 दिन मनाना चाहिए, तो पूरा हफ्ता मनाएंगे। हम तो हमेशा ये चाहते कि हर दिन वुमेंस डे होता है, क्योंकि हमारी माएँ बहनें यहाँ मौजूद हैं और आज के खासतौर से डिविजन प्रेसिडेंट अभिषेक साहब, हमारे कांस्टेंट इंचार्ज आनंद साहब और हमारे हरदिल अजीज एम एल सी जो सबके भाई हैं प्रभाकर साहब, ये बड़े भाई हैं हमारे, बहुत मोहब्बत के भाई हैं, बड़ी प्यार से मिलते हैं। जब ऐसा दिखता है उनसे मिले तो कि अपने बड़े भाई से मिल रहे हैं, छोटे भाई में जैसा शफकत रखते हैं ऐसा सबसे प्यार करते हैं। और हमारे खास तौर से जो हमारे सिद्दीक के भाई हैं, सिद्दीक भाई साहब बहुत सीनियर लीडर हैं, कई बार उनसे मुलाकात कर चुके हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप बहुत सीनियर हैं, हम लोग बहुत छोटे हैं। तेलंगाना बन गया कि हमारा ऐसा हो गया, मैं बहुत आपकी सफरत थी हमारी पार्टी को चाहिए और उनके जो सारे साथ हैं हमारे मुकर्रम साहब, तो मैं तो उनको मुकर्रम भाई के नाम से पुकारना चाहता हूँ क्योंकि बड़े लायक हैं। मुझे जब देखने के बाद उनको ये दिखता है कि उन्होंने अपनी माँ की बहुत दुआ ली, इसलिए उनकी जिंदगी अल्लाह ताला ने बड़ी तकलीफों के बाद भी राहत में दिए। आज एक बहुत बड़े बिल्डर भी है और सबसे अच्छे दुनिया में इंसान कितनी भी दौलत का हो, मेरे बहने हैं बहुत से प्रकार के, आज खुशी की बात है जब मेरे बहनों को देख रहा हूँ तो मेरी माँ मुझे याद आता है, क्योंकि दुनिया में सबसे जो बड़ी इंसान के लिए उसकी जिंदगी में दुआ अगर किसी की लेना है या खिदमत करना है तो वो अपनी माँ। इंसान जब पैदा होता है सबसे पहले आँख होती है तो वो अपनी माँ को देखता है और दुनिया में सबसे बड़ी सच्चाई माँ है।